अभी एक ग्रुप से तो दो दो टीम लेगा, उसके बाद जो थर्ड बेस्ट थर्ड फोर देखना है उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा कि बेस्ट थर्ड के लिए भी, कि आज हारने से भी बेस्ट थर्ड में हम आने के लिए कोशिश करना है कि क्वार्टर फाइनल के लिए वो भी कर सकता है। मेरा एक रिक्वेस्ट करना चाहती है कि देखो अभी 21 मेंबर के अंदर 8 प्लेयर नॉर्थ ईस्ट से, 10 है 8 प्लेयर मणिपुर से ही है, तो ये प्रूव किया कि फुटबॉल में डोमिनेट मणिपुर ही किया है। तो अच्छा फुटबॉल मणिपुर से बनता है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के लिए इंडिया गवर्नमेंट से मणिपुर में थोड़ा कौन सा ग्राउंड अच्छा है, कहाँ पे ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ये सब फोकस करना चाहिए। और ये ओलंपिक पोडियम के लिए, मतलब तो ओलंपिक पोडियम के लिए प्लेयर थोड़ा वो इंसेंटिव दे रहा है, वही जैसा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जो प्लेयर होता है गरीब फैमिली का उसी को देकर थोड़ा इंसेंटिव देगा तो उसको भी बहुत हेल्प मिल सकता है। लास्ट मैच में वो लोग रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो आज अच्छा करके अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा मेरा ख्याल से, और आना भी चाहिए। और मेरे तरफ से भी विश करता है कि आज का मैच में अच्छा खेल के 100% अपना जो लेवल जो कर सकता है वो करके अच्छा रिजल्ट ला के अच्छा रिजल्ट दे दो, जो फ्यूचर में जो अंडर 17 अभी जो खेल रहे हैं उसी से हम लोग मतलब जो आने वाला टीम के लिए अच्छा भी टीम बनाने का चांस भी मिलता है। और ये लोग अभी चांस मिल रहा है आई लीग खेलने का, जो अंडर 19 17 जो खेल रहे हैं उसको डायरेक्ट आई लीग का जो भी क्लब में लेने के लिए उसको चांस दे दिया। तो उसी तरह ये वर्ल्ड कप से जो फ्यूचर का प्लेयर भी बहुत मतलब कैरियर बन सकता है। माई टीम इज प्लेइंग वेरी गुड बट टूडे प्ले मोर पासेस, पोजिशन ऑफ फुटबॉल गुड, दे प्ले गुड एंड स्कोरिंग एबिलिटी, गो फॉर स्कोरिंग एबिलिटी. इफ दे गो फॉर अटैकिंग फुटबॉल वी और वी ड्रॉ और वी विन टूडेज मैच. दिस इज डू एंड डाई, वी हैव टू विन, वी हैव टू गो फॉर विन. इफ आई डोंट गो फॉर विन देन द मैच इज ड्रॉ, वी आर आउट. टूडे इज आवर मैच द डू एंड डाई. घाना ऑलरेडी टेक ओवर द, इफ द इंडियन टीम फर्स्ट मैच दे स्कोर, दिस इज ग्रेट अचीव फॉर द इंडियन टीम और फॉर इंडियन टीम ऑल्सो. टुडे इज मैच वेरी क्रूशियल मैच, वी प्ले डू एंड डाई मैच टुडे.